कृष्ण भावना का ही अभाव है, कृष्ण भाव भक्ति भाव का अभाव है। बाजार भाव तो खूब है और कई सारे भाव, लेकिन अभाव है कृष्ण भाव या कृष्ण भावना का। तो हुआ इसका अभाव है, इसकी पूर्ति करने का प्रयास हमारे पुष्टि और पोषण के लिए भगवान ही कर रहे हैं। हम सभी भगवान की संतानें हैं, तो भगवान जानते हैं हमारी नीड, व्हाट डू वी नीड। वैसे हम लोग ग्रीड के पीछे पड़े हैं, वी आर ग्रीडी, लेकिन ग्रीड के बजाय अगर नीड को हम समझ सकते हैं, हमारी नीड, उसके पहले समझना होगा कि हम है कौन, फिर उसकी नीड। तो जिसका अभाव है उस अभाव में इस बात का भी अभाव है, ज्ञान का भी अभाव है। हम खगोल और भूगोल और क्या क्या सारे गोल बनाए हैं जीवन के, लेकिन जहाँ तक हम कौन है इसका ज्ञान तो गोल का जीरो, बाकी और जीरोज को हम पढ़ते रहते हैं। तो जिसका अभाव है उसकी पूर्ति के लिए तो नागपुर के नागरिकों का जो नीड है, यहाँ के जीवों की जो नीड है, उसकी पूर्ति करने हेतु इस मंदिर का निर्माण इंटरनेशनल क्या आईवी इंटरनेशनल वैदिक कल्चरल सेंटर, एक इसका एक नाम है ग्लोरी ऑफ इंडिया, ग्लोरी ऑफ सेंट्रल इंडिया, ग्लोरी ऑफ इंडिया, ये दूसरा भी नाम है इस्कॉन लोटस, ऐसा भी कोई कह रहा है इस्कॉन लोटस। राधा गोपीनाथ मंदिर के राधा गोपीनाथ मंदिर भी है, ये विद्या मंदिर भी है। वह इस स्थान से उसे नागपुर के हर जीव की जो आवश्यकता है, नीड है, जीव को चाहिए भगवान। जैसे पिंजरे में पंछी होता है, तो वह हम लोग तो अधिकतर जो पिंजरे की सजावट में लगे हुए हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर का जो तोता है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा शरीर है एक पिंजड़ा और आत्मा है तोता, द बर्ड द पैरट। अधिक महत्वपूर्ण कौन है, पिंजड़ा की तोता? तो हुआ उस तोते को, आत्मा को, आत्मा का खुराक, आत्मा का खाद्य, आत्मा का पेय, आत्मा की जो नीड है उसकी पूर्ति करने हेतु हम यहाँ एक मंदिर निर्माण की तैयारी आज से शुरू हो गई है।